पिछले दिनों नंदा देवी ईस्ट की चढ़ाई के दौरान लापता हुए 8 पर्वतारोहियों में से 7 के शव मिलने के बाद सातों शवों को रेस्क्यू कर पिथौरागढ़ की नैनी सैनी हवाई पट्टी में लाया गया। साथ ही सभी शवों के पंचनामे के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा गया। बता दें कि एक भारतीय सहित 8 विदेशी पर्वतारोहियों का एक दल नंदा देवी आरोहण के दौरान 25 मई को लापता हो गया था, जिसके बाद 8 पर्वतारोहियों में से 7 के शवों को आईटीबीपी की रेस्क्यू टीम ने खोज निकाला। 23 तारीख को आईटीबीपी के सर्च एंड रेस्क्यू टीम द्वारा जो है 8 जो लापता पर्वतारोही थे उनकी खोजबीन के लिए अभियान चलाया गया। उसमें 7 शवों को ढूंढ निकालने में जो है आईटीबीपी की टीम को सफलता प्राप्त हुआ है। आज सुबह आईटीबीपी के अनुरोध पर जो है हमने 2 चीता हेलीकॉप्टर और एक ALH एवं एक MI-17 हेलीकॉप्टर को रिक्विजिशन किया था इंडियन एयरफोर्स के माध्यम से, और आज हम लोग 7 शवों को लेकर बेस कैंप से पिथौरागढ़ हेडक्वार्टर में लाने में सफल हुए हैं। इन 7 शवों में एक महिला का शव लाया गया है और उन 7 शवों में से सिर्फ एक ही शव का पहचान करने में हम सफल हो पाए हैं। उसमें जो चेतन पांडे जी थे जो एलोलाइजिंग ऑफिसर इस टीम के साथ गए थे, उनका परिवार के सदस्य की तरफ से उन्होंने पहचान किया है कि वो शव जो है चेतन पांडे जी का हो सकता है। अन्य शव का पहचान अभी हम लोग नहीं कर पाए हैं और पंचनामा रिपोर्ट में हम लोगों ने अज्ञात के रूप में दर्ज किया है। इसके पश्चात सभी शवों को लेकर हम हल्द्वानी में सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाएंगे, जहां पर मोर्चूरी में इन सभी शवों को रखा जाएगा। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि बरामद शवों में से विदेशी पर्वतारोहियों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पर्वतारोहियों के लाइजिंग अधिकारी की पहचान उनके परिजनों के द्वारा कर ली गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पिथौरागढ़ से यशवंत मेहर की रिपोर्ट।